ये हमारे विनोद भैया हैं जो काफी है, काफी पॉपुलर आसनसोल के माने हुए। इनका जो जॉब है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जॉब है, और आज हम आए हैं इनके करीब। एक सांप जो खास करके आसनसोल से ही रेस्क्यू किया गया है। हमारे इंडिया में 95% सांप जहरीले नहीं, और 95% लोगों के काटने के बाद लोग एक दूसरे को डरा देते हैं, जिसके कारण लोग हार्ट अटैक से ही मृत्यु हो जाता है। यही सच्चाई है। आज है 28 तारीख, लेकिन कल 29 तारीख नाग पंचमी, एक ऐसा ही फेस्टिवल जिसमें जानबूझ करके लोग सांपों को दूध पिलाने का काम करते हैं। हमारा हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट है कि सांपों को कम से कम दूध ना पिलाएं, क्योंकि जिस प्राणी के शरीर के अंदर हड्डी नहीं, वो कैल्शियम को हजम नहीं कर सकता है, और दूध में कैल्शियम है, इसीलिए सांपों को दूध ना पिलाएं। मेडिकल साइंस नहीं मानती है कि कोई सांप दूध पी रहा है, क्योंकि सांपों का जीभ फटा होता है, इंग्लिश का भी आकार का होता है। सांप जितने भी होते हैं इस वर्ल्ड में, वो शॉकिंग चूसना खींचने का पावर नहीं होता है, फिर भी हम लोग जानबूझ करके नाग पंचमी मनसा पूजा को सांपों को दूध पिला देते हैं। लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सांपों को कम से कम दूध ना पिलाएं, दूध पिलाने से सांप मर जाएंगे। नाग पंचमी कल है, कल 29 तारीख है, 29/7/2017 को कम से कम सांपों को दूध ना पिलाएं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हर साल 20,000 से भी ज़्यादा सांपों को लोग दूध पिला पिला करके मार डालते हैं। दूध पिलाने से एक तो पी नहीं सकता है, जबरदस्ती मुंह में डालो तो क्या होगा, इसके पेट के अंदर चला जाएगा। 2-4 बूंद अगर पेट में चला जाए तो इसे वोमिटिंग होगा, निमोनिया होगा, बुखार आएगा और सांप मर जाएगा। सांप हमारा पर्यावरण मित्र है, खास करके नाग पंचमी के दिन एक बाल्टी में छोटा छोटा पैकेट वाला दूध जो आता है 22-23 रुपया का, वो आप ले लीजिए, 100-200 कलम कॉपी ले लीजिए और गरीब बच्चों में बांटिए। ये आपका काम, सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। हम आसनसोल विनोद भैया के पास आए हैं, और यहाँ कुछ काम से आए हैं, और यहीं से ही रेस्क्यू किया हुआ ये सांप है, और इनको हम सांपों का समस्त जानकारी देना चाहते हैं। कुछ कहना चाहिएगा? ये बाइट नहीं करता है ना? नहीं, ये छिपकली को कंट्रोल करता है। वर्ल्ड का 70% सांप चूहों को खाता है, 30% फ्रॉग लीजर्ड्स अदर्स मैमल्स को कम करने के लिए गॉड गिफ्ट। हम तो जंतु प्रेमी आदमी है ही है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे विनोद सर भी जंतु प्रेमी आदमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर ये हमारा मानसिकता है तो बिल्कुल गलत है। सांपों से डरे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र है। सांपों का रक्षण सही होगा, पर्यावरण का संरक्षण है।